आज हम जिलाधिकारी महोदय श्री मयूर दीक्षित जी के साथ हैं। और जब से यहाँ पर जिलाधिकारी जी पहुँचे हैं, आए हैं, जब से यहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया है, तब से जो है यहाँ पर जिले की जो है बहुत सुधार यहाँ पर जिले में देखने को मिला है। चाहे वो आपदा को लेकर हो, चाहे वो पुस्तकालय को लेकर हो, चाहे कई ऐसे विकास के कई काम हैं जो है यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय की देख रेख में, निरीक्षण उनके उसमें जो है सानिध्य में जो है यहाँ पर हुए हैं। तो आज हम जिलाधिकारी महोदय से पूछेंगे कि आज जो है जो उन्होंने पुस्तकालय यहाँ पर बच्चों के लिए बनाया है, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल की लत जो है बच्चों में इतनी बढ़ चुकी है कि किताबों के प्रति लोगों का जो है बच्चों का ध्यान जो है बिल्कुल खिन्न हो चुका है। तो जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पर जो शुरुआत की है बच्चों का जो है किताबों के प्रति जो रुझान, ताकि बच्चों का बढ़े, उसको लेकर जो जिलाधिकारी महोदय ने जो यहाँ पर जो है एक पहल की है, बहुत सराहनीय पहल की है, उसको लेकर जो हम जिलाधिकारी महोदय से आज पूछेंगे। सर, सर आपकी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे देखने में आया कि आपने यहाँ पर पुस्तकालय के लिए जो है बहुत ही जो है वो किया है कि एक नवनिर्माण टाइप का किया है, और किस रूप में सर आप उसको देखते हैं कि इससे क्या जो है बच्चों में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को वो है कि उनको एक पढ़ने के लिए अच्छा एक सुरक्षित स्थान मिले, जहाँ पर वो भले अपनी सेल्फ स्टडी भी करें या बुक्स पढ़ें, तो उनको एक पढ़ने का माहौल मिले। हम देखते हैं कि जनरली जो बहुत ही निर्धन परिवार होते हैं, गरीब परिवार होते हैं, जनरली एक या दो कमरों में ही पूरा परिवार रहता है, तो जो पढ़ने का भी इच्छुक विद्यार्थी है तो उसको एक शांत वातावरण नहीं मिल पाता है और उसको फिर एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो मेरा ये उद्देश्य था कि जो हमारी श्रीदेव सुमन लाइब्रेरी बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें अधिकतर स्पेस हमारी अनयूटिलाइज थी और अनावश्यक वस्तुओं से भरी हुई थी, तो उसको हमने ऊपर वाली फ्लोर को क्लियर कराकर हमने वहाँ पर बच्चों को बैठने की स्थिति बनाई है, जहाँ पर आराम से 40 बच्चे बैठ सकते हैं। और वहाँ पे कई हमने प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें जो कि मार्केट में महंगी मिलती हैं, हर कोई उसको नहीं खरीद पाता, उनको हमने वहाँ पर रखा ताकि कोई भी व्यक्ति, भले वो कितना भी गरीब परिवार से हो, उसको हम लोग प्राथमिकता से उन किताबों को मुहैया करा सकें। और नेक्स्ट फेज में हमने प्लान किया है कि जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर भी हम लोग रीडिंग स्पेस निकाल रहे हैं, उसमें और भी बच्चे बैठे हैं, और कोशिश ये कि प्रतिदिन मिनिमम 100 बच्चे वहाँ पर रेगुलरली जाएं और सभी को अच्छा पढ़ने का माहौल मिल सके। और जैसा आपने बताया कि मोबाइल की या गैजेट्स का जो अधिक प्रयोग हो रहा है, जिससे अनावश्यक लोग वीडियो देखते रहते हैं या फिर रील्स आदि का जो प्रचलन है उसको थोड़ा हतोत्साहित करें, और पुराना जो हमारा प्रचलन है कि हम बुक्स को पढ़ें, नोट्स बनाएं और प्रतिदिन परीक्षा की तैयारी में भी जुटें, तो उस क्रम में हम लोग ये डायरेक्ट कोशिश कर रहे हैं। सर, एक सवाल और आपसे कि यहाँ पर अभी जो है आपदा का, क्योंकि ये आपदा प्रभावित क्षेत्र तो है ही, यहाँ पर घनसाली में भी जो है बहुत आपदाएँ आई हैं और आपने जो है बढ़ चढ़ कर उसमें जो है सहयोग किया है, और अभी जो है कुछ हद तक जो है पटरी पे जो है वहाँ पर आया है, तो सर अभी आगे की क्या योजना वहाँ पर होगी? घनसाली में जो विस्थापित परिवार हैं उनको किस हिसाब से आप विस्थापित करोगे? देखिए, अभी भी मानसून का पीरियड चल ही रहा है, 1.5 महीना है मंथली सेंसिटिव, तो हम लोग अलर्ट पे तो हैं। साथ ही जो पिछले महीने और फिर कुछ अभी कुछ दिन पहले भी जो वहाँ पर आपदा आई है घनसाली ब्लॉक में, वहाँ पर जो परिवार विस्थापित होने हैं उनके लिए हम भूमि की चयन की प्रक्रिया कर रहे हैं, उसमें गांव के लोगों के साथ हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी भूमि उनके लिए उपयुक्त रहेगी, और जैसे ही वो सहमति देंगे हम उनके विस्थापन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इसके अतिरिक्त जो भी धनराशि कंपेंसेशन आदि राज्य सरकार, भारत सरकार की तरफ से दिया जाना है वो हमने दे दिया है, और कोई भी बच्चे की शिक्षा प्रभावित ना हो, कोई भी गर्भवती माता को कोई दिक्कत ना आए, साथ ही कोई भी बुजुर्ग आदि को भी कोई दिक्कत ना आए, तो इसके बारे में भी हम लोग ध्यान रखा है। सर, जैसे यहाँ पर पूरे जिले की, अगर होल जिले की बात की जाए, होल डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, तो यहाँ पर किस हिसाब से मतलब क्या विकास के कार्य जो है आपके द्वारा किए जा रहे हैं अब तक, जो आपने जो है इन कुछ महीनों में किए? देखिए, जनपद टेहरी गढ़वाल में पर्यटन का काफ़ी यहाँ पर स्कोप है, और नई टेहरी को हम लोग पर्यटन के जो हमारा मैप है उस पर लाना चाह रहे हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी द्वारा भी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी, दोनों के द्वारा लगातार इसमें हमको मोटिवेशन मिल रहा है कि यहाँ पर टेहरी लेक को लेकर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको जल्दी से जल्दी ग्राउंड पर उतारा जाए, तो उसके लिए हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। इसमें जैसे रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, साथ ही यहाँ पर केबल कार के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नई टेहरी से कोटी कॉलोनी तक केबल कार लगे। बोटिंग के पॉइंट्स हम लोग बढ़ा रहे हैं, पहले एक ही पॉइंट था, 2-3 पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। और पर्यटन के अतिरिक्त यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेज की जो प्रयास है उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही आजीविका के क्षेत्र में पशुपालन और कृषि में हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स कैसे हम लोग यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं उस पर कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय श्री मयूर दीक्षित जी, हमने उनसे जाना कि जो है विकास कार्य के बारे में उनसे यहाँ पर जाना, और जो लाइब्रेरी है उसके बारे में जाना। मैं जो भी बात यू के लाइफ के लिए टी